हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में देखेंगे दोस्तों, आज का हमारा मैथ का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, इंग्लिश हो या हिंदी, पाइथागोरस प्रमेय ही बोलेंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम आज अध्ययन करेंगे बिल्कुल एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से। इसे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे और जीरो लेवल से दोस्तों शिखर तक इसे लेकर जाएंगे। दोस्तों, आज हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसे जिंदगी में कभी आप भुला नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक जुड़े रहें, जिससे आपका यह पाइथागोरस थ्योरम पूरा हो सके, पक्का किया जा सके और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आपकी संपूर्ण तरह से आपको पक्की हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहां से आप कोई भी गलती ना करो। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें से आपको 100 में से 100% मैं समझाने में सक्षम हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं वीडियो को। शुरुआत करने से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करें और बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, जिससे दोस्तों एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है मुझे। ठीक है ना, आपको नहीं मुझे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको एनर्जी प्राप्त होगी या मैं सिखाऊंगा, आप जो सीखोगे उससे, और आप लाइक कमेंट करोगे उससे एनर्जी प्राप्त होगी मुझे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो दोस्तों पहले तो जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहती है दोस्तों, इसका कथन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज में, क्या दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या दोस्तों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन सी होती है दोस्तों, लंब तथा आधार, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों भुजाओं के योग के वर्ग योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में, क्या दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका दोस्तों, कर्ण का वर्ग। हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कर्ण के वर्ग की, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा कौन सी होती है दोस्तों, लंब तथा आधार। अन्य दो समकोण त्रिभुज, अन्य दो भुजा कौन सी होती है, लंब तथा आधार। अच्छा दोस्तों, अब ये जानते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज अब जानेंगे किसके, समकोण त्रिभुज। अब इसके अब कथन के अनुसार हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कथन के अनुसार हम लिख सकते हैं क्या कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, क्या दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यह क्या हो गया अपना पाइथागोरस प्रमेय का कथन के अनुसार हम यह कह रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब दोस्तों पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों समकोण, क्या दोस्तों, समकोण, समकोण त्रिभुज दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की परिभाषा होगी वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण कहलाता है।
दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, कितने का दोस्तों 90 डिग्री का कोण, कितना दोस्तों 90 डिग्री का कोण, अगर किसी कोण का मान अगर एक जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है अर्थात क्या होता है समकोण होता है, क्या होता है समकोण होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज, सॉरी दोस्तों समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज को दोस्तों अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों राइट एंगल, क्या दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल, क्या दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, तो दोस्तों क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा होता है 90 डिग्री का होता है, क्या होता है 90 डिग्री का। अब देखते हैं दोस्तों या हम क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं एल आकृति में बना कोण, क्या दोस्तों एल, क्या दोस्तों एल अल्फाबेट्स वाली एल, एल आकृति में बना बंद त्रिभुज, वह बना त्रिभुज ऐसे लिख सकते हो, बना त्रिभुज समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। दोस्तों हमने क्या बात की, पहले हमने बात की पाइथागोरस प्रमेय का कथन, पाइथागोरस का प्रमेय का कथन क्या था दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या दोस्तों कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं की लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं, क्या दोस्तों अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों इस कथन के अनुसार क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर, क्या दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब दोस्तों क्या, आधार का वर्ग मतलब दोस्तों आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब अन्य दो शेष भुजाओं के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज अगर उसमें आया समकोण शब्द, क्या समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो हमने इसके बारे में जाना कि वह त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। आप चांदी पर देखोगे दोस्तों तो 90 डिग्री का जो कोण बनेगा दोस्तों एल आकृति में बनेगा, किसमें बनेगा एल आकृति में, कैसे बनेगा दोस्तों एल आकृति में, और एल इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एल आकृति में बना कोण क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज को बार बार भूल जाता हूं दोस्तों मैं, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों कैसे, अब मैंने बनाया पहले एल आकृति, मैं बनाता हूं एल आकृति बनाता हूं, आपको ध्यान देना दोस्तों ये मैंने बना दी एल आकृति, क्या बन गई एल आकृति, और इस वाले बिंदु को इससे मिला दिया, क्या हो गया दोस्तों इस वाले को इससे मिला दिया, तो देखो एल आकृति में बना कोण, एल आकृति में बना त्रिभुज, एल आकृति में जो त्रिभुज बना है, एल आकृति कौन सी थी मैंने बताया दोस्तों यह क्या है आपकी एल आकृति, तो एल आकृति बना त्रिभुज क्या कहलाता है समकोण, तो यह क्या है दोस्तों समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का चित्र है, किसका चित्र है दोस्तों समकोण त्रिभुज का, ठीक है चलो यहां लिख लेता है, ठीक है इसका चित्र है समकोण त्रिभुज का। अब देखो दोस्तों इसमें बात करता है कर्ण का वर्ग तथा अन्य दो शेष भुजाओं का वर्ग, तो कर्ण कौन सा होता है, तो दोस्तों जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या दोस्तों त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों कर्ण, तो इसका कर्ण कौन सा है दोस्तों ये क्या है कर्ण, और कर्ण को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइपोटेनस, क्या दोस्तों हाइपोटेनस, क्या कहते हैं दोस्तों हाइपोटेनस, किसे कर्ण को, इसलिए इसे दोस्तों एस से क्या करते हैं शो करते हैं, किससे दोस्तों एच से, किससे दोस्तों एच से हाइपोटेनस कहते हैं किसको कर्ण को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लंब, लंब क्या होता है दोस्तों पहले जानते हैं आधार, आधार क्या होता है दोस्तों आधार, आधार ये क्या है आधार, लंब जिस पे टिका होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है आधार कहलाता है, क्या कहलाता है सॉरी दोस्तों जो बेस होता है दोस्तों उसका आधार होता है, क्या होता है आधार बेस, इंग्लिश बोलते हैं इसे क्या बेस, ठीक है बेस क्या होता है दोस्तों बेस,
लंब जिस पर टिका होता है, लंब जिस पर मतलब किस पर, इस पर ही तो टिका है, यही तो है, इस पर ही तो लंब मतलब ये क्या है दोस्तों, लंब है, क्या है लंब, क्या है दोस्तों लंब, और लंब को क्या कहते हैं दोस्तों, अगर ये बात किया जाए तो परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों परपेंडिकुलर, क्या दोस्तों परपेंडिकुलर, तो दोस्तों परपेंडिकुलर मतलब ये लंब है, और लंब जिस पर टिका होता है, जिस पर किस पर टिका है, इस वाली भुजा पर टिका है, इस पर टिका है, तो ये क्या हो गया इसका आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। और लंब, और दोस्तों लंब, अब इसको लंब को कैसे याद करोगे, लंब को तो दोस्तों लंब को कैसे याद करोगे कि आधार पे जो टिका होता है उसे क्या कहते हैं लंब। अब दोस्तों देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये क्या आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, कर्ण की परिभाषा क्या होगी अगर हम बात करें तो समकोण, यही तो आपका 90 डिग्री का कोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा, क्या दोस्तों समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, समकोण के, देखो समकोण के सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा यही तो है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लंब तथा आधार के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और दोस्तों तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी इसके, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ये आपकी तीन परिभाषा हो गई किसके, कर्ण के बारे में। और आधार जिस पर लंब टिका रहता है दोस्तों क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, आधार कहलाता है, ठीक है। और लंब दोस्तों यह थी आपकी क्या, समकोण त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी, मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज यह क्या था आपका, समकोण त्रिभुज था एल आकृति बना त्रिभुज था, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री था। और दोस्तों इसमें क्या था, हमने जाना कि इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण कहलाती है, सेकंड परिभाषा कर्ण की दोस्तों समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तीसरी परिभाषा दोस्तों लंब तथा आधार के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाती है, ठीक है। शीर्ष यह क्या है दोस्तों, इसका शीर्ष है, ये शीर्ष है कि नहीं, ये शीर्ष है, और इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ऐसे मान को चलो दोस्तों, इसे कैसे याद रख सकते हो, ये तो हुई आपकी जमीन, क्या नीचे का ये जमीन, ठीक है, और ये हो गई आपकी सीढ़ी, क्या सीढ़ी, और रखी किस पे आपने, दीवार पे, ये आपकी दीवार, जो दीवार है जो लंब है, और जो जमीन है आधार है, और जो सीढ़ी है दोस्तों कर्ण है, ठीक है। सीढ़ी को इसी तरीके से दीवार पर रखा जाता है, तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। जमीन, जमीन पर क्या रखी हमने, सीढ़ी, और सीढ़ी को इस पर रखा था दीवार पर, तो आप उस चित्र को अपने दिमाग में इमेजिन करो, ठीक है, बनाओ दोस्तों उस चित्र को कैसे बनता है, इसी तरीके से बनेगा, ये आपकी दीवार, ये आपकी जमीन, और ये आपका कर्ण, ठीक है। इस तरीके से ये क्या रखी जाती, सीढ़ी रखी जाती है। यह था दोस्तों क्या, लंब कर्ण आधार, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया आपको कैसे समकोण त्रिभुज में, ठीक है, चलो अब मैं इसे साफ करता हूँ, आप इसे एक साथ स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो तो लिख लो पॉज करके, ठीक है। अगर दोस्तों आपके ये समझ में आ गया ना, अगर ये जो मैंने अभी बताया अगर ये समझ में आ गया, तो ये समझो पाइथागोरस पूरे खत्म प्रमेय, ठीक है, और इससे यार कुछ नहीं है, बस यही है मैं चीज। अब मैं इसकी परिभाषा लिखाऊंगा बस, कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये सब की परिभाषा लिखाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे सबके बारे में। चलो दोस्तों मैं इसे आप करता हूं, ये फॉन्ट और लिख लेते हैं दोस्तों, ये फॉन्ट क्या लिखेंगे दोस्तों, कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा उपयोग कहाँ की जाती है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमेशा किसमें किया जाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग दोस्तों हमेशा समकोण त्रिभुज में, किसमें दोस्तों समकोण त्रिभुज में, जहां भी समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों, क्या दोस्तों जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहां क्या होगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा दोस्तों। मैं सबकी अंग्रेजी बता दी आपको, सबकी इंग्लिश बता दी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, अभी और देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में, कहाँ दोस्तों समकोण त्रिभुज में, जहां भी समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों वहां पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा, किसका, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में
पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा पूर्णांक संख्या है। क्या दोस्तों? पूर्णांक। या कह सकते हैं अंग्रेजी में कहें तो इंटीजर। क्या दोस्तों? इंटीजर नंबर। ठीक है, क्या दोस्तों? इंटीजर नंबर्स। क्या दोस्तों? इंटीजर नंबर्स। हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में इंटीजर्स नंबर्स पूर्णांक संख्याएं होती हैं, होंगी या होती है। ठीक है, होती है कर लो। अब दोस्तों एक बार नया बनाया क्या? पूर्णांक संख्या। क्या दोस्तों? पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या क्या होती है? दोस्तों पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्णांक जो पूर्ण अंक हो, पूर्णांक से देखो के बनना है। आप ध्यान से देखो दोस्तों, पूर्णांक पूर्ण धन अंक। क्या? पूर्ण धन अंक। ऐसे यहाँ रखो तो पूर्णांक मतलब पूर्ण होने चाहिए अंक। क्या अंक? तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 क्या होते हैं अंक होते हैं। पूर्णांक होते हैं मतलब ना तो पॉइंट में होंगे ना बटा में होंगे। ठीक है, ना तो बट्टे में होंगे ना पॉइंट में होंगे। कैसे होंगे? सीधे सीधे 1 2 3 4 अनंत तक। कैसे? यही होती है दोस्तों, यह साइन होता है दोस्तों किसका? अनंतता। किसका दोस्तों? अनंत का। तो यही दोस्तों क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। यह कभी ना तो पॉइंट में मिलाएंगे जैसे 3.4 6.5 ऐसे, ना 1/2 2 ना 8/7 इस तरीके से भी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय में पूर्णांक संख्याएं होती है। कैसे होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो समकोण त्रिभुज हो गया, पूर्णांक संख्या समकोण त्रिभुज के बारे में हो गई। अब बात करते हैं किसका? कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण क्या होता है? कर्ण की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो समकोण की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की तीन परिभाषा देखेंगे दोस्तों हमेशा की। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। क्या दोस्तों? कर्ण के, कर्ण क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अभी चित्र बना लेते हैं एक इधर। ठीक है दोस्तों, एक चित्र बना लेते हैं। चलो मैं ऊपर चित्र बना देता हूँ और नीचे आप परिभाषा देख लेंगे। ठीक है, ऊपर चित्र बना देता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों बात करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं किसका? समकोण त्रिभुज का, जिससे साथ ही साथ समझाते जाएंगे और उसे आप देखते रहना। ठीक है, तो यह क्या? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज ये इसका क्या होगा दोस्तों? कर्ण। क्या दोस्तों? कर्ण, जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाइपोटेनस। क्या दोस्तों? हाइपोटेनस। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों? इसका लंब। क्या है दोस्तों? लंब। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया उसका आधार। क्या दोस्तों? आधार। और आधार को क्या कहा जाता है दोस्तों? बेस। क्या कहा जाता है दोस्तों? बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण। क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। और दोस्तों इसे एस से शो किया जाता है, इससे एस से। ठीक है, और इसे इससे बी से, और इसे पी से, इसे दोस्तों पी से। ठीक है, सो प्रतीक चिन्ह इसके मान सकते हैं, इसे हम इस तरीके से एस लिखेंगे तो समझ जाना कि क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब कर्ण होगा, और बी मतलब बेस आधार होगा, एल मतलब लंब। क्या होगा? पी होगा। ठीक है, या हम दोस्तों इसे किसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आधार के लिए क्या लेंगे? ए, और लंब के लिए, क्योंकि लंब में एल तो एल, और दोस्तों कर्ण के लिए के। या इसे इस तरीके से भी क्या करते हैं? शो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? दर्शाएंगे। क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं, कर्ण का पर आधार का पर लंब का पर, इसलिए शॉर्ट करने के लिए इसका सहारा लेंगे। चलो दोस्तों, तो पहली परिभाषा क्या होगी? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, या कह सकते हैं हम, तो देखो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अभी हम निकालेंगे, अभी हम अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज की यही सबसे बड़ी भुजा है। क्या? यही सबसे बड़ी भुजा है। अब देखो दोस्तों, भुजा, भुजा शब्द दोस्तों आपको इसमें दिख रहा है, भुजा का मतलब क्या होता है? भुजा का मतलब होता है दोस्तों, मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे में अगर मान लूं ये है आपका क्या? पी। क्या है? पी। और ये क्यू। और ये क्या है आपकी? आर। तो दोस्तों इसमें एक पी और आर क्या होगी? एक भुजा हो जाएगी पी और आर।
ठीक है, और पी ओ क्यू एक भुजा हो जाएगी, क्यू आर ए एक भुजा हो जाएगी, मतलब इसमें कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। याद देख सकते हैं, या सेकंड परिभाषा इसकी याद देख सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, या कह सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण। हमने अभी तक तो दो परिभाषा देखी, या एक क्या समकोण के त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। दूसरी परिभाषा देखी, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और दोस्तों तीसरी परिभाषा अगर देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। वैसे यह दोनों सरल है, तीसरी थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट होगी, पर देखना चाहो तो देख लो कि लंब तथा आधार के अंतिम शीर्ष को मिलाने वाली भुजा, मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। कर्ण लंब तथा आधार, देखो ये अपना लंब है, और लंब की दोस्तों शीर्ष कौन सा हो जाएगा, ये इसका क्या है, एक शीर्ष है, क्या है, शीर्ष, ठीक है। और ये शीर्ष है, ये किसका शीर्ष है, आधार वाला शीर्ष है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लंब तथा आधार के अंतिम शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष को अंतिम कह लो या से मतलब अंतिम शीर्ष, ठीक है, शीर्ष ही, तो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा मिला रही है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो पूरी रेखा है इसको मिला रही है, तो दोस्तों ये क्या होगा, कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्ण। मैंने आपको कर्ण की तीन परिभाषा बताई दोस्तों, बहुत सरल है। एक तो समकोण की जो आयल आकृति बनाया, कौन समकोण होता है, तो दोस्तों यह क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। दूसरी परिभाषा कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। दूसरी दूसरी परिभाषा समकोण की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तीसरी लंब तथा आधार के अंतिम शीर्ष को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। यह दोस्तों कर्ण की आपको तीन परिभाषाएं दी, और कर्ण का प्रतीक चिन्ह दोस्तों, कर्ण का प्रतीक, कर्ण को दर्शाते हैं, दोस्तों या तो एच, क्यों, क्योंकि इसे हाइपोटेनस कहते हैं, या दोस्तों क्या होता है, के, ठीक है, के कर्ण, ठीक है, इसको इससे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब किसके बारे में, आधार के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, आधार के बारे में, आप इसे नोट कर लो, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आधार के बारे में, क्या बात करेंगे दोस्तों, आधार, आधार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आधार, आधार दोस्तों, आधार की बात की जाए, आधार मैंने मतलब बताया, जैसे आप समझो आप खड़े हो, कहां पे खड़े हो, जमीन पे, तो जमीन आपके लिए क्या हुई, आधार, क्यों, क्योंकि आप जमीन पे खड़े हो, मतलब हम जिस चीज पर, जिस पर हम सहारा लेते हैं खड़े होने का, बैठने का, वो क्या होता है, अपना आधार होता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ये जमीन, ये सीढ़ी और ये दीवार, इस तरीके से आपको बताया, तो दोस्तों यह क्या है, अपना आधार, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लंब जिस पर टिका होता है, लंब जिस पर टिका होता है, आधार कहलाता है, आधार मतलब बेस, बेस कहलाता है, ठीक है। देखो लंबे है ये, और ये इस पर टिका है, तो ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बेस, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं क्या दोस्तों, किससे दर्शाएंगे, या तो V से, या किससे, क्योंकि आधार को आता है, तो A से, ठीक है, या तो B से दर्शाएंगे या A से दर्शाएंगे, ठीक है। चलो दोस्तों अब
हमने कर्ण देखा, आधा देखा, ठीक है, क्या देखा, कर्ण देखा और आधा देखा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों लंब, लंब लंब को कैसे याद रखोगे दोस्तों, कि लंब को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे दोस्तों लंब। अब लंब के लिए हम देखो कोण बना लेते हैं दोस्तों, कौन सा, कर्ण। देखो जैसे मैंने यह कोण बना लिया है थीटा, क्या बना लिया है थीटा, थीटा क्या अपना यहाँ पे थीटा, थीटा अपना क्या है कोण। जैसे कोण कौन सा भी हो सकता है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 35 डिग्री का, 40 डिग्री का, कोई सा भी कोण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने मान लिया क्या थीटा। अब दोस्तों देखेंगे कोण के सामने वाली भुजा, तो थीटा के क्या कह सकते हैं, कोण के सामने वाली भुजा, लंब कहलाती है, क्या कहलाती है, लंब। और लंब को दर्शाते हैं या तो एल से या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं दोस्तों, तो क्या पी से, ठीक है। अब देखो दोस्तों यह मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, नाइट समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और थीटा मतलब किसी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अगर यह कोण होता दोस्तों, अगर यह कोण होता, अगर ये कोण होता दोस्तों, मान चलो ये थीटा है, तो इसके लिए लंब हो जाता है ये, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा कौन सी होती, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाता लंब और ये हो जाता आधार, ये कर तो कर ही रहता है, ठीक है, चाहे थीटा कौन सी भी जगह पहुंच जाए, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। तो थीटा के सामने भुजा, अगर थीटा यहाँ पे होता तो अपना कर्ण क्या हो जाता, फिर लंब हो जाता, सॉरी ये हो जाता, क्यों, इसकी थीटा के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यह ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह सब आपकी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अब पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित समकोण त्रिभुज में किस तरीके से यूज किया जाता है, साफ करता हूँ दोस्तों, आप कुछ बता नहीं, आपका सब कुछ बता दिया दोस्तों, ठीक है, पूरी तरह जानकारी दे दी। पहले हमने क्या देखा, कथन, कथन में क्या देखा कि संपूर्ण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दो शेष भुजा कौन सी होती है, लंब और क्या होता है, आधार, ठीक है। तो हमने देखा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, देखा क्या देखा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। फिर हमने देखा संपूर्ण त्रिभुज आया, तो संपूर्ण त्रिभुज के बारे में, 90 डिग्री का कोण संपूर्ण त्रिभुज कहलाता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, समकोण कहलाता है, ऐसा त्रिभुज जो एल आकृति बना होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, ये उसकी परिभाषा नहीं। फिर हमने देखा समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस, और दोस्तों लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको मैंने बताया। अब देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए एक समकोण त्रिभुज, आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, ये आपको ये समकोण त्रिभुज दे दिया है, आपको यह समकोण त्रिभुज, ठीक है, गिव है, आपको यह समकोण त्रिभुज गिव है दोस्तों, दे रखा है। अब देखो इससे मैं आपको दे दिया समकोण त्रिभुज, आपको पता है यहाँ दे या ना दे, ये तो कोण 90 डिग्री का ही होगा, पता है आपको, ठीक है। अब इसमें दे दिया दोस्तों ये वाली भुजा दे दी आपको, माने चलो 5, इसको मान दे रखा है पी, वैसे क्यू और ये क्या दोस्तों आर, ठीक है, पी क्यू आर, पहले चलो वैसे देख लेते हैं बिना पी क्यू आर के, है ना। तो पहले देखो दोस्तों इसका अनुमान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना दोस्तों 5 दे रखा है, कितना 5 मीटर, क्या दोस्तों 5 मीटर, इकाई तो कोई ना कोई होगी। हाँ अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अपना जो वर्ग होता है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक चीज वो समझ लो, देख लेना दोस्तों कि जो अपना वर्ग होता है मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग, अब इससे मतलब नहीं हमें वैसे तो देखा जाए, ठीक है, छोड़ो चलो कोई मतलब नहीं, इससे मैं बता रहा था कि वर्ग जो अपना स्क्वायर होता है उसका एक जो इकाई आती है वर्ग इकाई होती है, ठीक है, मतलब स्क्वायर में आता है, जैसे मीटर स्क्वायर, एम का वर्ग, एम का उसका, ठीक है, चलो छोड़ो से, एक भुजा दे रखी दोस्तों आपको 5 मीटर और दूसरी भुजा दे दी आपको कितनी, मतलब ये तो क्या है दोस्तों अपना आधार पता आपको, तो ये दे रखा है 5 मीटर और ये दे रखी है 4 मीटर, और आपको ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब आधार आपको त्रिभुज के चित्र आपको क्वेश्चन कैसा आता है, एक समकोण त्रिभुज में, क्या दोस्तों क्वेश्चन पूरा ही लिख लेते हैं, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं दोस्तों,
एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में आधार 5 मीटर तथा लंब 4 मीटर दिया गया है, तो उसका कर्ण ज्ञात करो, कर्ण का मान ज्ञात करो। कर्ण का मान ज्ञात करो, ये आपके पास क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन होगा। क्या होगा क्वेश्चन? क्या एक समकोण त्रिभुज में, अब यदि अभी मानित रखा है, इसका नामकरण नहीं किया, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में आधार 5 मीटर तथा लंब 4 मीटर दिया गया है, तो उसका कर्ण ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। और हमने देखा कि कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अब इसे कैसे हल करोगे, हल कैसे करोगे कि समकोण त्रिभुज में, अभी मैं इसे बहुत शॉर्ट कर दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों। पहले समझते हैं बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आपको दोस्तों कैसे, क्यों मैं यही क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको दो वर्ग दे रखे हो, अगर आपको आधार या लंब दे रखा हो या आधार या कर्ण दे रखा हो, मतलब समकोण त्रिभुज से किन्हीं दो भुजाओं के मान दे रखे हो दोस्तों, हम तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका भी एक तरीका है, अभी बताऊंगा मैं आगे चल के, अभी आगे चल के उसका भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो सोचो तो कैसे करेंगे, चूंकि दिया है, क्या है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, आधार बराबर 5 मीटर और लंब बराबर 4 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब दोस्तों ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमें अब इस हम कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग कैसे शो कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसे दोस्तों हम ऐसे भी शो करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एच और आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा पी। तो दोस्तों इसे कह सकते हैं एच का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस पी का वर्ग, इसे इस तरीके से भी शो किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं ऐसे ऐसे ही लिखा करूंगा या ऐसे लिखा करूंगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों इसमें देखो, कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है दोस्तों हमें, तो कर्ण का वर्ग की जगह क्या रहेगा, कर्ण का वर्ग ही रहेगा। तो आधार का वर्ग कितना है दोस्तों, आधार कितना रहेगा, 5 मीटर, तो मान को टप कर देंगे यहाँ से, 5 का मान रख देंगे, आधार का मान रख देंगे 5 मीटर, प्लस लंब कितना रहेगा 4 मीटर, तो 4 का मान रख देंगे, ठीक है, क्या रख देंगे, 4 का मान। तो अब कर्ण का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों फिर एक स्टेप आएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैंने लगा दिया, ये मैंने आपको कल वीडियो आपको पढ़ाई थी, आपको वीडियो बताई थी क्या, जब मैं प्लस माइनस वाला चैप्टर करा रहा था आपको, तो मैंने उसमें बताया था कि वर्ग मतलब जिसके जितनी घात होगी, यह होती है दोस्तों ऊपर वाली संख्या, क्या होती है, घात होती है, क्या होती है दोस्तों, यह घात, क्या होती है, घात, जितनी घात होंगी, तो जिसमें जो संख्या हो, जिस पर जो घात, मतलब जो होता है अपना क्या दोस्तों, आधार, क्या होता है, आधार, तो आधार पर जितनी घात लगी होती है उतनी बार उस संख्या का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 5 में 2 घात लगी है, तो 2 बार क्या कर देते हैं, गुणा, तो 25, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, क्या दोस्तों, वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, क्या हो जाएगा दोस्तों, 25, और मीटर का भी क्या होगा, मीटर उसका है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि वर्ग, वर्ग की इकाई क्या आती है दोस्तों, वर्ग इकाई आती है, ठीक है, उसका आती वर्ग इकाई, और इसमें गुणा, कर्ण का वर्ग बराबर देखो 25 का वर्ग हो जाएगा, 25 और 4 का संख्यक 16 का मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब होता क्या है कि 25 मीटर उसका है, 25 और 16 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 41 मीटर उसका है। अब देखो कर्ण, अब कर्ण का मान निकालना है, सिर्फ कर्ण का उसका नहीं निकालना, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना है, कर्ण का मान निकालना है,
तो बर्फ को ऊपर से उठाना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर को मतलब घास को उठाना पड़ेगा, तो उसको उठाने के दोस्तों अपने क्या चढ़ा देंगे वर्गमूल इस पर। और ये दोस्तों देखो सी को थोड़ा ये बात पर इस पर ध्यान देते हैं कि ये जो साइन होता है दोस्तों होता है रूट का, रूट बोलते हैं स्क्वायर रूट का, किसका स्क्वायर रूट, ठीक है स्क्वायर रूट, या कह सकते हैं किसका वर्गमूल का, किसका वर्गमूल का। और वर्गमूल दोस्तों तरीके दो तरीके से निकाला जाता है, या तो गुणनखंड विधि से, किससे गुणनखंड विधि से, या इससे भाग विधि से, ठीक है दो तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों वर्गमूल गुणनखंड विधि से यानी लासा की तरह हल करते हैं ऐसे। अब 41 ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 41, 119, 123, ठीक है ऐसी संख्या है दोस्तों। कोई संख्या ऐसी होती है जो जैसे 39 है, 39 में तो चला जाता है, 13, 39, ठीक है तो ये नहीं। अब जो 41 है, 43 है, 43 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, 47 है, ये दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग नहीं आता, तो इसका वर्गमूल लिखा यही रहेगा, तो क्या आ जाएगा कर्ण का बराबर 41 मीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखूंगा मैं बताऊंगा आपको, तो देखो पता चलेगा वो किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा था। चलो दोस्तों तो इसका कर्ण का मान कितना आ गया, अंडर रूट 41 मीटर, ठीक है। अब ये मत कहना कि आपने बताया पूर्णांक, तो ये कर्ण पूर्णांक में ही निकला है मान, ठीक है पॉइंट में ही निकला। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अब देखो इसमें दोस्तों इसमें मान चेंज करते हैं दोस्तों, तो इसका मान मान चलो आपको दे रखा है क्या 4, तो इसका मान आधार का मान दे दिया दोस्तों आपको। अब ये और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें आप मान देख रहे थे पी क्यू आर नामकरण करके, इसका नामकरण कर दिया दोस्तों, ठीक है क्या कर दिया नामकरण, ये मान नहीं निकालना है। अब ये कह सकता है एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज क्या पी क्यू आर में, क्या कहेगा पी क्यू आर में, ठीक है पी क्यू आर में, पी क्यू बराबर अब आधार नहीं कहेगा, अब क्या कहेगा पी क्यू आर में, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 5 मीटर, कितना दे रखा है 5 मीटर, कितना 5 मीटर, ठीक है क्या कह सकते हैं 4 मीटर, और मतलब पी क्यू बराबर कितना रहेगा 4 मीटर, और क्यू आर बराबर कितना रखा है 3 मीटर, कितना 3 मीटर उसका नहीं 3 मीटर, तो देखो क्यू आर बराबर कितना रखा है 3 मीटर। अब इसने क्या कर दिया इसका नामकरण, जैसे कि नामकरण कर देते हैं तो इसका नामकरण हो गया कि त्रिभुज कौन सा हो गया पी क्यू आर, ठीक है जिसमें पी क्यू बराबर मतलब लंब हो गया कौन सा पी क्यू, और क्यू आर क्या हो गया आधार, ये एक भुजा कौन सी क्यू आर भुजा है जो क्या आधार है, और एक भुजा पी क्यू है जो कि क्या है लंब है, और एक भुजा क्यू आर है जो क्या है इसके कर्ण है, ठीक है दोस्तों। चलो तो पी क्यू बराबर 4 मीटर, क्यू आर बराबर 3 मीटर दिया गया, और उसका कर्ण का मान किया क्या कहेगा, अब क्या कहेगा कि पी आर का मान ज्ञात करो, किसका पी आर का मतलब कर्ण का मान ज्ञात करो दोस्तों। ये पी क्यू आर त्रिभुज में आधार क्या है, क्या क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 3 मीटर, और लंब क्या है दोस्तों, लंब क्या अपना पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या दे रखा है यहां से देखेंगे तो 4 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब दो मान दे रखे हैं तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ऊपर लिखाई है, ठीक है तो क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो दोस्तों कर्ण का वर्ग की जगह कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग, और आधार की जगह क्या मान रखेंगे आधार का 3 मान रख देंगे यहाँ पर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस पी क्यू 4 का मान रख दें तो 4 का मीटर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कर्ण का वर्ग की जगह कर्ण का वर्ग 3 × 9 मीटर उसका है, प्लस के 4 × 16 मीटर उसका है, ठीक है रेखा क्या करिए बड़ा। अब देखो अभी बताऊंगा कैसे किया है सब, तो कर्ण का वर्ग बराबर 2 क्या हो जाएगा 16 × 9 = 25 मीटर उसका है, तो कर्ण का वर्ग कितना आ जाएगा, और कर्ण का वर्ग कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का वर्ग का नहीं मतलब किसका मान निकालना है, यहाँ पे कर्ण की जगह यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग, कर्ण की वर्ग की जगह क्या रख सकते हैं पी आर, तो पी आर बराबर क्या निकालना है हमें, पी आर का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से देख लेना, यहाँ पर देखना तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 मीटर, ठीक है अंडर रूट में ले ली संख्या मतलब रूट में ले ली, तो पी आर बराबर क्या जाएगा 5 मीटर, कितना आ जाएगा दोस्तों 5 मीटर इसका आंसर होगा। अब देखो कैसे निकाल रहा, तो दोस्तों इसको जानने के लिए दोस्तों पहले हम समझते हैं क्या वर्ग, कि वर्ग क्या होता है, ठीक है वर्ग दोस्तों हमने क्या देखा स्क्वायर रूट देखा, स्क्वायर रूट वर्गमूल, वर्गमूल दो प्रकार से किया जाता है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोस्तों। वर्गमूल का यह क्या होता है चिन्ह होता है, ठीक है। और दोस्तों वर्गमूल देखो जैसे हमने 25 का निकाला दोस्तों, तो 25 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाला, तो कैसे निकलेगा 25, 25 में
ऐसे लास्ता करते हैं ना, एलसीएम करते हैं उस तरीके से दोस्तों, तो 5 का 5 बार भाग जाएगा, 5 का 1 बार। उसका रूप में क्या करते हैं दोस्तों, 2 का पेयर होते हैं। पेयर को क्या करते हैं, पेयर में से एक ले लेते हैं, मतलब 2 का जोड़ा होता है उसमें से एक को ले लेते हैं। तो जो एक ले लेते हैं तो दोस्तों, अब इसमें तो 2 ही थे इसलिए 2, और आगे भी अगर पेयर आते हैं दोस्तों सब में से एक एक ले लेते हैं, ठीक है। 2 के जोड़े में से एक ले लेते हैं दोस्तों, इसलिए अपना आया पी आर का मान कितना आ गया, मतलब कण का मान क्या आ गया दोस्तों, 5 मीटर आ गया। क्या दोस्तों, 5 मीटर। अब दोस्तों ये तो था वर्गमूल। अब वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग वर्ग होता है दोस्तों क्या, स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है, स्क्वायर। और वर्ग का दोस्तों अगर क्षेत्रफल बात करें तो होता है दोस्तों क्या, भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। भुजा में आपको बता रखा हूँ कि ये क्या होता है, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ठीक है। एक शीर्ष से 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। 2 बिंदुओं को, ये बिंदु इससे, एक बिंदु अपना यहाँ पर था पी और एक दूसरा था क्यू, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाई, क्या कहलाई, भुजा, ठीक है। और क्षेत्रफल, और दोस्तों अगर इसको हम खोल के लिखे हैं तो, और इसका भुजा इंटू भुजा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भुजा इंटू भुजा। क्या लिखते हैं दोस्तों, भुजा इंटू भुजा। अब देखो दोस्तों, भुजा इंटू भुजा, जैसे मैंने मान चलो कि अपने पास कोई भुजा रखी 5 मीटर, जैसे अभी यहाँ पे था क्या 3 मीटर, तो 3 मीटर का दोस्तों हमने क्या किया, 3 मीटर का क्या किया, 3 मीटर × 3 मीटर, तो क्या आ गया अपना 9 मीटर स्क्वायर। मीटर का मीटर से मीटर स्क्वायर, 3 का 3 से 9, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अपना क्या आया, भुजा स्क्वायर। वर्गमूल बता दिया मैंने, वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं लासा की तरह। अब दोस्तों आपका ये पूरी तरह कम्प्लीटली क्या तैयार है कि दोस्तों, आप मेरा फॉर्मूला लगाना है, उसमें यहाँ से मान पुट अप करने हैं, मान रखने हैं, मान रखने के बाद दोस्तों सीधा, मान रखने के बाद उसका वर्ग निकालना है। वर्ग दोस्तों क्या आता है, फिर उनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोस्तों जैसे पी आर आया, पी आर का वर्ग, इसका क्यों वर्ग लगाए, वर्गमूल लगाए, इसका भी वर्ग लगाया, तो उसका क्या सट जाता है, दूसरी वाली संख्या वर्गमूल सट जाता है, क्या वर्गमूल। और दोस्तों अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, फिर 25 का क्या लेंगे, पेयर, पेयर 25 के लासा करेंगे, जैसे गुणनखंड विधि से करेंगे, तो दोस्तों लासा की तरह, और फिर दोस्तों क्या करेंगे, 5 मीटर आ जाएगा इसका क्या, आपका आंसर। और दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास कैसे आता है, देखो दोस्तों, तो बात करें दोस्तों, अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये वर्ग और स्क्वायर रूट दोस्तों सब क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि उसको कैसे प्रतीक चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब आपको क्या देगा वो, अब आपको दे रखा होगा एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या दोस्तों, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दोस्तों क्या दे रखा होगा, ये भुजा दे रखी होगी दोस्तों, मान के चलो आपकी 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर, और ये दे रखी होगी 24 सेंटीमीटर, कितनी 24 सेंटीमीटर। तो ये भुजा अपना क्या है, क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन, मतलब इस भुजा को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो इसके क्या करते हैं, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना आधार ही होता है ना, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब, और जिस पर लंब टिका रहता होगा क्या कहलाता है, आधार। तो दोस्तों आधार हो गया, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर और पी आर, सॉरी पी आर, पी क्यू, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, क्यू आर, क्यू आर ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं क्या दे रखा है कि पी आर बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, क्यू आर का मान याद करना है, किसका मान याद करना है, क्यू आर का, क्यू आर क्वेश्चन है, और क्यू आर आपका दोस्तों क्या है, आधार। तो दोस्तों अब देखो आधार का हमारे पारे अब कहोगे दोस्तों, हमने अभी कण का वर्ग निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, आधार का वर्ग निकालने का फॉर्मूला पढ़ा ही, तो चलो दोस्तों देखें आधार का वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों चूंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्रतीकों से जब मैं दोस्तों शो कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, तो कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, यही होता है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए, तो आधार का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं, क्या करते हैं, आधार का वर्ग निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देते हैं। देखो कैसे, इस तरीके दोस्तों द्वारा समझो कैसे किया ये मैंने, कि अपना आधार का वर्ग अपने इस जगह पर था, ये 2 पक्ष होते हैं दोस्तों, यह है 2 पक्ष होते हैं, एक एल एच एस जिसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दूसरा आर एच एस होता है राइट हैंड साइड बोलते हैं, दाया पक्ष और बायां पक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह अपना क्या किया, जो बाएं पक्ष में दोस्तों जो आधार था उसको अपनी जगह पर रखाने दिया, आर एच एस में जो दाएं पक्ष में जो कर्ण का था अपनी जगह पर रखाने दिया, और एल जो था इसको यहां से दोस्तों मैं क्या ले आया, इस तरफ,
ठीक है, इस तरफ ले आया दोस्तों, तो जब प्लस की संख्या पक्षांतर करते हैं तो दोस्तों प्लस का इधर की साइड आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस हो गई, माइनस हो गया। दोस्तों तीसरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, तीसरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो देखो दोस्तों क्या निकलेगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग निकालेंगे दोस्तों, क्या कर रहे हैं, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी तरह अब क्या, लंब का वर्ग अपनी जगह पर था और मैं क्या कर रहा दोस्तों, क्या किया मैंने, जैसे दोस्तों एक कर्ण का वर्ग हम लिखा है बराबर क्या लिखा है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। दोस्तों लंब का वर्ग तो अपनी जगह भी था, कर्ण का वर्ग भी अपनी जगह ही तो था, और इसे मैं क्या ले आया, इस साइड ले आया, तो प्लस की है तो क्या हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, लंब का वर्ग का फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो दोस्तों आपके पास अब तीन फॉर्मूले आ चुके हैं, एक कर्ण का वर्ग निकालने का, दूसरा आधार का वर्ग निकालने का, तीसरा लंब का वर्ग निकालने का। दोस्तों आधार का वर्ग निकालना हो, लंब का वर्ग निकालना हो, आधार का वर्ग निकालना दोस्तों तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा देते हैं, और लंब का वर्ग निकालना हो दोस्तों तो कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा देते हैं। ध्यान रखना बस, बहुत ईजी है। अगर आधार का वर्ग निकालना हो तो कर्ण में से लंब घटा देते हैं, और लंब का वर्ग निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि आधार का वर्ग इसमें ज्ञात करना है तो कैसे करें। पाइथागोरस प्रमेय, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों इससे आधार का वर्ग क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब आधार क्या रखा है अपना, पी क्यू, आधार क्या अपना क्यू आर, तो क्यू आर निकालना है हमें, तो क्यू आर का वर्ग बराबर कर्ण क्या रखा है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर का वर्ग माइनस एल क्या दे रखा है अपना, 24। सीधे मान रख दिए मैंने, ठीक है दोस्तों, अब बजाय नहीं लिखी, सीधा मान लिख दिया है। अब क्यू आर का वर्ग बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग बराबर, देखो दोस्तों इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वर्ग इस पर ही लगा है, इस पर नहीं लगा। तो इस पर अगर इसका सही लिखने का तरीका यही है कि दोनों को कुछ तो लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कहां दोनों पर क्या लगा है, वर्ग लगा है। ठीक है दोस्तों, तो यह गलत तरीका है और यह सही तरीका है, इसलिए मैंने कोष्टक के अंदर लिया है। और देखो अगर 25 का वर्ग निकालना दोस्तों, मैंने बताया 25 का वर्ग, वर्ग निकालने के लिए करते हैं जो संख्या होती है उसको दो बार बड़ा कर देते हैं। दोस्तों 25 × 25 करें तो दोस्तों 25 का वर्ग होता है दोस्तों 625, कितना होता है, 625 सेंटीमीटर उसका आ जाएगा। और 24 का वर्ग निकालना दोस्तों 24 × 24 करेंगे, 24 × 24 से करें तो दोस्तों आएगा कितना, कितना आता है दोस्तों, 24 का गुणा करते हैं तो 24 का गुणा करने के लिए दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम 24 का गुणा करें इसका दोस्तों 24 का, और 24 का गुणा करने पर दोस्तों हमें पता चलेगा कि 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, चलो इधर देख लेते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं। तो दोस्तों क्यू आर का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर का वर्ग बराबर दोस्तों 576 में से अगर 576 में घटेगा तो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 का क्या लेंगे अब यहाँ पे वर्गमूल। दोस्तों कैसे निकालते हैं, इसमें जिस संख्या का भाग है उस संख्या का भाग देता जाते हैं, तो दोस्तों 32 फिर कितना आ जाएगा, 16, 2 का भाग 16 हो जाएंगे तो 8, 2 का भाग 8 हो जाएंगे तो 4, 2 का भाग 2 में 4 हो जाएंगे तो 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1। अब दोस्तों इसमें से क्या करते हैं, जोड़े लेते हैं, क्या जोड़े मतलब 2 का होता है जोड़ा, ठीक है, तो उसमें से 1 ले लेते हैं, तो इसमें से 1 आ जाएगा, और इसमें से 1 2, और इसमें से 1 2। अब इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा, इसका 2 दुना 4, 4 दुनी 8, ठीक है, क्या 2 दुना 4, 4 दुनी 8, आर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आता, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यू आर का मान क्या आ चुका है दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि आधार का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या निकाला, आधार का मान निकाला, और ये हमने तीन फॉर्मूले देखे। तो चलो दोस्तों एक बार साइड को जाता हूँ, आप इसे रख कर नोट कर लो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके पास कैसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दोस्तों ये दे दिया जाएगा कितना, 17 सेंटीमीटर, और ये आपको दे दिया जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। और ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो दोस्तों अब इसमें क्या है दोस्तों, अब जानते हो कि ये क्या होता है, लंब, आधार पर जो टिका रहता है क्या कहलाता है, लंब। हमें क्या दे रखा है कि पी आर बराबर 17 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर
15 सेंटीमीटर। और हमें किसका मान निकालना है दोस्तों, पी क्यू का मान, किसका, पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं क्या दे रखा है कि पी आर बराबर 17 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर और आपके पास पी क्यू बराबर क्या है क्वेश्चन। और पी क्यू आप दोस्तों आपको इतना समझ में आना चाहिए कि लंबा है ये कर्ण है ये आधार है। अब इसमें क्या निकालना है दोस्तों, ये क्या है लंब, लंब का निकालना है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और मैंने क्या बताया कि लंब अपनी जगह पर रहेगा, और अगर कर्ण का लंब निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग से आधार के वर्ग को हटा देते हैं, और आधार का वर्ग निकालते हैं दोस्तों कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या घटेगा, आधार के कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग। अब दोस्तों इस तरह इसमें मान पुट अप कर देंगे, लंब का वर्ग क्योंकि क्या रहेगा पी क्यू बजा देगी, तो पी क्यू का वर्ग बराबर कर्ण का मान सीधा सीधा रख दें दोस्तों, बजा नहीं लिखेंगे, बजा लिखे तो कैसे लिखते हैं आप पी आर, अब इसका सीधा लिख देंगे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आधा कितना देखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब पी क्यू का वर्ग बराबर कितना, 17 का वर्ग देखें दोस्तों तो आएगा 289, कितना आएगा दोस्तों 289। और दोस्तों 15 का वर्ग देखें दोस्तों तो कितना आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करते हैं कि पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग अब इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो 9 में से 5 गई तो 4 और 6 में से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और दोस्तों अब क्या निकालेंगे हम, पी क्यू का मान निकालेंगे, पी क्यू का मान निकाल दोस्तों 64 को किसमें लेंगे वर्गमूल में, ठीक है किसमें लेंगे वर्गमूल में, तो पी क्यू बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 8 आता है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास पी क्यू का मान आ गया, मतलब इसका लंब का मान भी आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों चाहे आपके पास पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, चाहे आपको कर्ण का मान निकालना हो, चाहे आधार का, चाहे लंब का, आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तीनों में से दोस्तों यह पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति या देखा जाए तो पूरे गणित का बेस माना जाता है, और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ये बहुत इजी भी है, ठीक है समझ में आ जाए तो, नहीं आया तो डिफिकल्ट है बहुत। तो दोस्तों ये आपके तीनों का मानता है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन देखने से पहले आप इसे नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट, क्योंकि अब हमने डिटेल से इसे कई बार देख लिया है। ठीक है, अब इसे करेंगे क्या, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना, क्या करेंगे डायरेक्ट। दोस्तों देखो अब आपके पास दे रखा है दोस्तों क्या, अब आपके पास ये भुजा दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी दोस्तों 5 सेंटीमीटर, मान चलो ये दे रखी है आपके पास 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, वो आपको क्या निकालना है, ये क्या करना है। तो दोस्तों आपके पास क्या दे रखा है, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, क्यू आर, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पाइथागोरस तुम्हें पता है कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कुछ नहीं करना है, कर्ण का वर्ग निकालना है, तो सीधा मान रखो कर्ण का वर्ग मतलब क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर दोस्तों आधार का वर्ग मतलब 25, आधार का वर्ग सीधा कर दीजिए 25 सेंटीमीटर प्लस लंब का वर्ग दोस्तों क्या होता है स्क्वायर आ जाएगा 12, 12 का वर्ग 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो क्या आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोस्तों कर्ण का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों क्या लगा रहे हैं 173 किसका आएगा 13 का सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 13 का वर्गमूल होता है 169। ठीक है, 169 का वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 13। देखो दोस्तों कितना इजी और कितना शॉर्ट है, कितना जल्दी हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर दोस्तों, 2 से 3 सेकंड के अंदर दोस्तों इसका टोटल आप पूरा आंसर दे सकते हो, क्या दोस्तों 2 से 3 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों आज हमने क्या जाना, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हमने कर्ण का वर्ग जाना, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग जाना, और दोस्तों हमने वर्ग देखा, वर्गमूल देखा दोस्तों के वर्गमूल इसका कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, और दोस्तों हमने परिभाषाएं देखी समकोण त्रिभुज की और कर्ण की, लंब की, आधार की। ठीक है दोस्तों, और हमने पाइथागोरस प्रमेय का कथन देखा कि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या बताया कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शीर्ष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, वही हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों अगर आपको कहीं समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है दोस्तों, और हमेशा पूर्ण संख्याओं में आती है, पूर्णांक संख्याओं होते हैं, इंटीजर नंबर्स में होती है। ठीक है दोस्तों,
तो आज दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें और गोवाली क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करें और उसको ऑन करके ऑल कर लें, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप पढ़ाई का लाभ उठा सको। दोस्तों पढ़ते रहो, मस्त रहो और दोस्तों सीखते रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।